बन गया भाई मैनुअल क्रूज कंट्रोल। तो भाई ये चीज अपनी वर्केबल है और सक्सेसफुल है भाई, बना दिया है मैनुअल क्रूज कंट्रोल, वो भी फ्री में भी कह सकते हो या 5 रुपए में भी कह सकते हो। पहले इसको डालते हैं यहाँ से, बहुत मतलब इजी इंस्टॉलेशन है, ध्यान से देखना गाइस, और कुछ भी नहीं है भाई, मतलब फ्री में भाई मैनुअल क्रूज कंट्रोल बन रहा है। अगर Alright, MG family, hope so you are well and good and welcome back to my YouTube channel MG Sodas। So guys, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया हो गए आप लोग। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि भाई हम लोग ने बना दिया है मैनुअल क्रूज कंट्रोल, वो भी फ्री में भी कह सकते हो या 5 रुपए में भी कह सकते हो। तो गाइज मैं इसके बारे में बताऊँ तो मैं गया था इस चीज़ को लेने मैकेनिक के पास, जो उसके पास पुराने स्कूटर्स जो एक्टिवास आता है, बाइक आती है, उसकी जो छोटी वाली जो वाशर्स होते हैं, रबड़ वाले वाशर्स, तो वो चीज़ इसमें यूज़ हुई है। और अगर आप मैकेनिक के पास जाकर लोगे तो भाई मैकेनिक आपको 5-6 तो ऐसी फ्री में उठा के देने वाला है। तो गाइस अभी मैं आपको बता दूँ कैसे करके आपको बनाना मैनुअल क्रूज कंट्रोल बाय यूजिंग ऑफ ओनली दिस। तो भाई ये क्या है, ये भाई जो चीज़ मैं आपको बताया था, ये स्कूटर की एक रबड़ होती है जो आपको किसी भी मैकेनिक के शॉप पर ऐसी ही पड़ी हुई मिल जाएगी। अगर आप लॉन्ग टूर पर जाते हो और आप एक्सीलेटर देते देते थक गए हो, थ्रॉटल देते देते थक गए हो, तो इसको आप लगाओ, अब मैनुअल क्रूज कंट्रोल पे भाई आराम से चलेगी भाई गाड़ी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका जो टेस्ट है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देते हैं इसे लगाना कैसे है। सो गाइस अब हम इसको लगाएंगे अपने थ्रॉटल के सीधे यहाँ पे, आधा जो है वो इसके अंदर रहेगा, आधा जो है इसके बाहर रहेगा रबर। तो सबसे पहले इसको डालते हैं यहाँ से, बहुत मतलब ईजी इंस्टॉलेशन है, ध्यान से देखना गाइस, और कुछ भी नहीं है भाई, मतलब फ्री में भाई मैनुअल क्रूज कंट्रोल बन रहा है। अगर भाई किसी को कंटेंट भी चाहिए तो भाई कंटेंट भी ले लो। तो ये जो है आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसको इधर से इधर यहाँ तक अंदर रखना, आधा बाहर। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इतना इसको लगा दिया है आप लोग, और आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ लगाया है। अब इसके बाद इसको ऐसा करोगे तो ऐसे ही रुक जाएगा, और करोगे और पे रुक जाएगा, बाकी आप इसको नॉर्मली जब ऐसा करोगे तो बंद हो जाएगी रेस। तो अभी चलिए फिर आपको दिखाते हैं एक्चुअल में ट्राई करके कि ये कैसे करके वर्क करेगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसको कैसे करके लगाया है, ऊपर नीचे की साइड पे लगाया, आधी जो रिंग है वो बाहर है और आधी जो रिंग है वो अंदर है। तो देख सकते हो आप लोग ऐसे करने से आपका एक्सीलेटर रुक गया, मतलब भाई देख रहे हो तुम्हारे भाई का जुगाड़ इतना तगड़ा है ना, मैनुअल क्रूज कंट्रोल बना दे जिसके लिए भाई लोग हज़ारों और 500-600 रुपये देने पड़ते हैं, देख रहे हो भाई तुम्हारे भाई का जलवा यार। तो मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इसको ऐसे करोगे तो लॉक हो जाएगा, हल्का सा यूँ करोगे तो भाई नॉर्मल। तो चलिए भाई इसको टेस्ट करते हैं क्या ये सचमुच में जो है वर्केबल है कि नहीं है भाई। तो चलिए भाई करते हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट और टेस्ट करते हैं अपना मैनुअल क्रूज कंट्रोल। उम्मीद करता हूँ भाई कैमरा एंगल आपको अच्छा आ रहा होगा। एक स्पीड पे रोक के देखेंगे भाई बाइक को। ओ भाई भाई मैंने 30 पे रोका, 30 पे रुक गई भाई स्पीड। भाई मैनुअल क्रूज कंट्रोल भाई बन गया भाई मैनुअल क्रूज कंट्रोल। तो भाई ये चीज़ अपनी वर्केबल है और सक्सेसफुल है भाई, पीछे कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है ऐसा सच तो नहीं। तो भाई देख पा रहे हो तो ये बन चुका है हमारा मैनुअल क्रूज कंट्रोल। तो भाई इस वीडियो को तो भाई पक्का वायरल करना और लाइक ज़रूर करना भाई, बहुत ही मतलब समझ पा रहे हो कि भाई कितनी खुशी हो रही है, अपना एक्सपेरिमेंट काम कर गया। तो यही थी आज की वीडियो, तो रखते हैं आज की वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी एमजी थ्रॉटल।